केंद्र सरकार वालों पास किए गए खेतीबाड़ी बिल का किसान जथेबंदियों ते विरोधी पार्टियां वालों विरोध किया जा रहा है। किसानों वालों 25 सितंबर नूं पंजाब बंद की कॉल तहत आदमपुर के वख वख इलाकों विच किसानों ते किसानों की हिमायत विच अगे आए सियासी आगुओं वालों धरना लगा के प्रदर्शन किया गया। अलावलपुर रोड ते भारतीय समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ते खुरदपुर विच अकाली दल वालों धरना लगा के रोस जाहिर किया गया। आदमपुर दे विधायक पवन कुमार टीनू भी धरने विच शामिल होए। पंजाब बंद दौरान शहर दियां सारियां दुकानां बंद रहियां ते सन्नाटा पसरिया रहा। आदमपुर तो परमजीत साबी दी विशेष रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ विरोध करते मोदी जोड़ा है वो पूरा काम कर रहा जोड़ा एम एस गोलवालकर जिन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की है उन्हें किताब लिखी इंग्लिश माई और अमर नेशन लिखता गोलवालकर कि जे ती पक्के तौर पर देश के उत्ते हुकूमत करनी है तो देश के 95% लोगों को बर्बाद कर दो क्योंकि उन्होंने जो आईकॉन है वो हिटलर है। गल कही कि जो प्राइवेट मंडियां आ गई तो सरकारी मंडिया च APMC एक्ट खत्म हो जाएगा। सरकारी खरीद खत्म हो गई तो प्राइवेट मंडिया च कणक का झोने का रेट वो हो जाएगा जो अच यूपी के बिहार में है। तुम्हें पता जी MSP है ये कल पंजाब से हरियाणा है। ये पंजाब से हरियाणा क्यों आ कहीं सोचा तुम्हें क्योंकि इतने प्रकाश सिंह बादल है तो उत्थे चौधरी देवी लाल से ये दोनों ही कौन सी किसान लीडर ये खेती को जानते सी। इन्होंने हमेशा दिल्ली दियां सरकारां नाल लड़ाई लड़ के मत्था ला के अपने दोनों सूबे MSP लैके दी। साडी कणक इत्थे 1900-2000 रुपया बिहार च कणक 1000 रुपया 1100 अज दी जे जाके दे आ हुण झोना आउणा मंडी च अपने झोने का रेट होर होएगा MSP करके लेकिन बिहार में अद्धा रेट होगा। जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी भाजी जो केंद्र सरकार वालों किसान मारू की जो बिल पास किए उन्होंने बारे की कहना चाहते हो? देखो जी अकाली भाजपा सरकार NDA की सरकार ने यह जो लोग मारू किसानों के मजदूरों की जी दुर्दशा उन्हां दी गुरबत नूं होर ज़्यादा नरकमई बनाउण दे लई ये जो खेती ऑर्डिनेंस जो पास किया आ जो कि सरासर धन्ना सेठा और इंडस्ट्री वालियां दे उन्हां दे हक दे विच पूरदा आ। इहदे विच किसान ते मजदूर ओह दोवें ही मरदे आ। उन्हां दी हालत पहले ही बहुत भयानक आ। खुदकुशियां करने वाला किसान हुण होर ज़्यादा मरेगा क्योंकि जदों उह ना तां सरकारी खरीद जिहड़ी आ उहदी फसल दी होएगी ते उहदी फसल दा जिहड़ा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिहड़ा नियमित मुल सरकार ने तय करना हुंदा सी उहदे विच सरकार दा हुण कोई भी जिहड़ा किरदार नहीं रहेगा। ये सरकार दे जिहड़ी आ आवाज़ साडी जिहड़ी आ पहुँचनी चाहीदी आ कि बहुजन समाज पार्टी इस जिहड़ा खेती ऑर्डिनेंस जिहड़ा इह बिल आ इहदी भरपूर जिहड़ी मुखालफत करदी आ इहदी निखेधी करदी आ। असीं सख्त शब्दां विच इहदा विरोध करदे आ और इस नूं नामंजूर करदे आ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਸੇਠਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ।
इनू मनण तो इनू लागू करन तो इते अमल करन तो इते चलन तो साफ शब्दों के विच इनकार कर दी है। जो अज का जो संघर्ष चल रहा है साडे सरकार योग दिल्ली तो केजरीवाल साहब के हुक्म अनुसार आदमपुर हल्के दे विच आम आदमी पार्टी वालों जो धरना दिता गया सारे वर्करां ने इकट्ठे होकर किसानों के हक में हरा नारा मारिया। जो मोदी सरकार ने किसानों दी जड़ां बढ़नियां शुरू कीतियां उहदी हक दे विच अज सारे वर्करां ने इकट्ठे होकर हरा नारा मारिया तां जो ये मोदी सरकार दी जिहड़ी जड़ हिल सके पूरे पंजाब नूं बंद किया गया। इस करके केजरीवाल सरकार के हुक्म अनुसार जिहड़ा अज का प्रोग्राम लिखा गया सी उन्हां दी रहनुमाई हेठ उन्हां दे प्यार सदका उन्हां दे हुक्मां सदका ही सारा लिखिया गया तां जो कि किसानां दे हक विच हरा नारा मारिया जा सके।